अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनो सलवा, जिसमें आज ही बना रही हूँ कलर्ड वर्मासेली विद ट्विस्ट। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे तमाम देखने वाले से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो आराम से मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं रंगीन सवैया जो कलर हमारी वर्मासेली है उसको रेडी करेंगे। उसको रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रखा हुआ है, उसमें मैं 2 कप दूध ऐड करूँगी। इस 2 कप दूध के अंदर मैं 6 से 7 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी, ठीक है। 6 से 7 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप चीनी को ज़्यादा कम मर्ज़ी से कर सकते हैं। थोड़ा सा पकने देंगे, हल्का सा बॉईल आ जाएगा, फिर इसमें सेवैयाँ ऐड करेंगे। चलो जी, देखिए दूध जो हमारा गर्म हो चुका है, इसमें बॉईल भी आना शुरू हो चुका है, ठीक है, और चीनी भी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून ये रंगीन सेवैयाँ ऐड कर दूँगी, और इसको ऐड करने के बाद हम इतना पकाएँगे कि आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। जैसे ही रंगीन सेवैयाँ पक जाएंगी और गाढ़ी हो जाएंगी, तो मैं इसको निकाल के ठंडा कर लूँगी। हमें ठंडा चाहिए, ठीक है, इसको बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। बस अब मैं इसको मिक्स करके पकने रख रही हूँ, ताकि आराम से सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, देखिए सेवैयाँ रेडी हो चुकी थी हमारी, इसको मैंने निकाल लिया, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, इसको मैं निकाल चुकी हूँ। इसको असेंबल करना है। मैंने असेंबल करने के लिए इस तरह के शॉर्ट ग्लासेस लिए हुए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसमें चाहें बॉल में करना चाहें बॉल में कर लें। अब करना क्या है, पहले इस ग्लासेस के अंदर में जो हमने सेवैयाँ रेडी की थी इसको डालूँगी। थोड़ी सी ये सेवैयाँ हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और उसके बाद या मेरे पास तरह के प्लेन केक है जो आराम से मार्केट में आपको बेकरी मिल जाते हैं, ये मैंने ले ली, सर गोल कट कर लिया मैंने ग्लास के हिसाब से। इस केक को अब हम इसके अंदर रखेंगे आराम से, इस तरह से रखने के बाद। अब यहाँ मेरे पास ये वनीला आइसक्रीम है, वनीला ले लीजिएगा या मैंगो ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने केक को फिक्स कर दिया है। यहाँ मेरे पास वनीला आइसक्रीम है, अब सॉफ्ट हुई हुई है, अब मैं इसको इसमें डालूँगी। अच्छी तरह से पूरा हमने सॉफ्ट आइसक्रीम को करना है। चलिए देखिए, मैंने इस तरह से ग्लास में आइसक्रीम पूरी जो है सेट कर दी है। अच्छा, मेल्ट हुई हुई, इसको फ्रीज करेंगे हम। इससे पहले मेरे पास यहाँ पर स्प्रिंकल्स हैं जो हम डोनट सक्रम डालते हैं, थोड़े से हम इसके ऊपर ये स्प्रिंकल्स डाल देंगे इस तरह से। बस ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है, इसको अब मैंने फ्रीज़ करना है। कम से कम इसको हम जो है 20 से 25 मिनट तक फ्रीज़ कर देंगे, इतना कि हमारा जो आइसक्रीम वो सेट हो जाए। बस अब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। हेलो जी, हमारी कलर्ड वर्मासेली विद ट्विस्ट रेडी हो चुकी है, इसको मैंने सर्व कर दिया है। अच्छा, आप इसे 2 तरह सर्व कर सकते हैं। एक तो ये कि इसको आप 20 से 25 मिनट फ्रीजर में रख दीजिए, इससे आइसक्रीम आपकी सेट हो जाएगी, बट वो फ्रीज नहीं होगी, हल्की सॉफ्ट रहेगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल फ्रीज चाहिए, तो उसके लिए फिर आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा, ट्राई सर्व कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।